morning. प्रार्थना शुरू करते हैं। आशाओं की किरण खिलेगी। तुम जानती हो ना मुझे बदलाव पसंद नहीं। रोज कॉलेज में मॉर्निंग प्रेयर्स तुम ही गाती हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा बंद करो। खुला रहने देते हैं ना, हवा नहीं चाहिए। वैसे भी हवा लगने से ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। वो तो दिख ही रहा है, 19 साल की हो गई हो, अभी तक बाल बनाने नहीं आए तुम्हें। बातें बनवा लो बंदी से। तो आप ही बना दो बातें। बाल दो। जानती हूँ मैं रोज असेंबली में लेट क्यों आती है। रात पर जग कर उन अमीर बंदियों के असाइनमेंट्स पूरे करती है। अव्वल तो तुम्हें ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। तुम रात भर जागती हो, उनका काम पूरा करती हो और बदले में इतना सा पॉकेट मनी मिलता है रत्ती भर का। उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है और उनका तो नुकसान ही है। दो। नकली मार्क्स मिल रहे हैं उनको। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मॉम का प्यार तो मिल रहा है ना। मॉम नहीं, मैडम। हजार बार कहा है, सुनती क्यों नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वार्डन हूँ। अब तो मैं तभी सुनूंगी जब इस फोन से बोलोगी सरप्राइज बिलेटेड मॉम मैम्स डे। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आज तक अपनी मॉम से नहीं मिली हूँ, लेकिन ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ कि वो आपसे ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। ये खर्चा करने की क्या जरूरत है, मेरे पास फोन है। ये देखो, ये बातें कम ऑल इंडिया रेडियो ज्यादा सुनाता है। ये तो रिसाइकल करने के लायक नहीं है। प्रिया इनफ। हाँ अरे आप कितना ज्यादा सोचती हो। मैम वो रोहिणी ऊपर टेरिस पे। आज किसकी जिम्मेदारी थी रोहिणी को अपने साथ रखने की? मेरी जिम्मेदारी थी आज रोहिणी को असेंबली में लाने की, जो खुद ही लेट आई। रोहिणी रुक जाओ, रोहिणी नीचे आ जाए यार, क्या कर रही है नीचे। सुगंधा फायर ब्रिगेड को फोन करो जल्दी। प्रिया
प्रिया नो, क्या कर रही है? वापस आ जा। रोहिणी, 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 क्या कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? तुम चली जाओ यहाँ से, मैं खुद जाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें सुसाइड नहीं करने दूंगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, प्लीज मुझे अपने हाथ दो। रोहिणी अपने हाथ दो, चली जाओ यहाँ से। मुझे बताओ, हम दोनों बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस ऑर्फनेज में हूँ क्यों। इन लोगों ने बोला कि मैं इन्हें यहाँ पड़ी हुई मिली, तो बचाया क्यों मुझे? हाँ, मर जाने देना था ना। देखो यहाँ पे सब अनाथ है, तुम अकेली नहीं हो, प्लीज। प्रिया, इस वक्त वो मत करना जो मुझे पता है तू कर सकती है। लगता है यहाँ पे आज दो सुसाइड होगी। अरे नहीं यार, एक सुसाइड होगा, एक एक्सीडेंटल डेथ होगी। कुछ गड़बड़ है, समथिंग समथिंग इज डार्क। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं मरूंगी, क्योंकि 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 लाइफ इज ब्यूटीफुल यार। हमें रियलाइज नहीं होता हमारे आसपास बहुत अच्छे ही लोग होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें हमेशा बुरे लोग दिखाई देते हैं। प्लीज वो अच्छाई को देखने की कोशिश करो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। हाँ शायद, हाँ शायद तुम ठीक ही बोल रही हो। भगवान जी, कभी कभी मेरी अच्छी बातें ना बहुत अच्छी काम आ जाती है। लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन नहीं सकती। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। गर्ल्स हेल्प हेल्प करो, और डॉक्टर अभी आता ही होगा। प्रिया, प्रिया गेट अप, गेट अप। मेरी गर्दन। प्रिया ठीक है? प्रिया, I can't move my neck. प्रिया, प्रिया यार ये तो मिरेकल है। देखा तो यार, यहाँ से नीचे गई थी वो। यार तुमने देखा? हाँ यार, मैं तो कह रहा हूँ उसके ना वीडियो अपलोड कर देता, मिलियंस में व्यूज आएंगे। कम ऑन प्रिया, कम ऑन। ये 6 मंजिल से गिर के भी जिंदा है यार। हाँ यार, कैसे? सब कुछ ठीक भी? हाँ, रेत पे ही तो गिरी हूँ, बिग डील। एग्जैक्टली, कम ऑन। कितनी फ्लेक्सिबल है, जरूर जिमनास्ट करती होगी। देख देख, अपलोड हो गया। यार क्या धड़ाधड़ व्यूज आ रहे हैं। तुम लोगों को पता है ना कि ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो यहाँ क्या कर रहे हो? ये जो हमारी बच्चियों की वीडियो निकाली है वो। बट सॉरी मैम, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हाँ सॉरी मैम, सॉरी। चल 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 भाई, मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल लड़की नहीं है। हाँ यार, और नॉर्मल लड़की होती तो मर जाती यार, ऐसे उठ के खड़ी नहीं हो जाती। देखा कैसे चढ़ गई थी यार। मैं तो कह रहा हूँ स्पाइडरमैन है। सुबह को वाले आए तो टाइम पे कपड़े में लपेटी हुई बच्ची मिली, पर हमारा तो क्या है मैडम, गुजारा ईमानदार हो करते हैं। आप देख लीजिए मैडम, आपका तो कॉलेज के साथ साथ में अनाथ आश्रम भी है जिसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ये बच्ची को भी अगर उधर व्यवस्था कर देंगे तो। बच्ची कहाँ है? यहाँ। कौन हो तुम बेटा, और इतनी शक्ति? नहीं नहीं, जब तक मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता ना चल जाए, तेरी अपार शक्तियों के बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना पता नहीं लोग तेरे साथ क्या करेंगे बेटा। चल।
गॉड, इस बार जो नहीं होना था वो अनहोनी हो गई। प्रिया से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया, प्रिया तुझे तो बैक पर बहुत लग गया होगा ना? ऑफ कोर्स, इतनी ऊपर से गिरी थी। हाँ यार, मुझे तो एक सेकंड के लिए लगा कि अपनी प्रिया गई, बट थैंक गॉड तू बच गई यार। वो कहते हैं ना, जाओ रखे सैया। सैया नहीं, साया। जाको रखे साया, मार सके ना कोई। Whatever. अच्छा दिखाओ। अरे क्या हुआ तुझे? अरे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अनबिलीवेबल यार, तेरे तो पोस्टर्स लगेंगे बॉयज हॉस्टल में। जिस लड़के पे हाथ रख देगी ना वो तेरा। सीरियसली प्रिया, यार वो बंदा, उसका नाम क्या था? मयंक। डूड वो इतना हॉट था और क्यूट भी। हाँ यार, मैंने देखा, उसने प्रिया का वीडियो भी बनाया। हाय, सच में यार प्रिया, तू देखती ना तो तुझे प्यार हो जाता उससे। मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुझे प्यार व्यार के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। यार राइट, बट मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। सी यू गाइस, एंजॉय। कुछ बर्बाद कर दिया तुमने प्रिया। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी शक्तियाँ किसी को मत दिखाना। इतने सालों से मैंने तुम्हारी शक्तियों को छुपा कर रखा था दुनिया से। अनाथ आश्रम होते हुए भी मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, अपने कॉलेज में एडमिशन दिया ताकि तुम्हारे बारे में किसी को पता ना चले। लेकिन अब तो पता चल ही जाएगा। अगर वो वीडियो वायरल हो गया ना प्रिया, तो हम में से कोई नहीं बचेगा। पर क्या है मेरा सच? मुझे नहीं पता, और तुम जानती हो कि मुझे सचमुच नहीं पता है। फिलहाल इन सब बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। प्रेस वाले निकल चुके हैं, किसी भी वक्त बस आते ही होंगे। पर मैं कहाँ जा? चलो यहाँ से, चलो। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर लोगों को पता चल गया कि इस हॉस्टल में एक ऐसी बंदी है जिसके पास स्पेशल पावर्स है, तो लोग तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। उन लड़कों के फोन से तो मैंने तुम्हारा वीडियो डिलीट करवा दिया है। किसी और ने कुछ अपलोड किया होगा तो वो भी मैं डिलीट करवा दूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी प्रिया। मैं जाऊंगी कहाँ? तुम्हारी माँ के पास। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें यहाँ से तो जाना ही होगा। चलो। अगर आपको इतने सालों से मेरी मॉम के बारे में पता था तो आपने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सिर्फ ये है। इनमें से ही कोई तुम्हारी माँ होगी। या तुम अपनी माँ के पास जाओ, उन्हें ढूंढो, उनसे पूछो कि तुम ऐसे क्यों हो। अपनी बात की तह तक जाओ, अपने राज के बारे में पता करो, अपने बारे में पता करो प्रिया। Listen, stop please. एक सेल्फी दो ना, एक सेल्फी। अच्छा एक बात बताओ, तुम बच कैसे गई? एक बार दोबारा खुद के दिखाओ। अरे यार कैसे करती हो बताओ ना यार। वन पिक्चर हेलीकॉप्टर से कूदना बड़ा मजा आएगा। एक सेल्फी दे दो उससे पहले। प्लीज प्लीज यार। अरे लिसन यार, यहां से निकलकर अब मैं कहां जाऊंगी? मैं सब लाइंस नहीं बोलने वाली हूँ। क्यों आरू? तुझे अच्छी नहीं लगी लाइंस? मैं रूही थी। हाय,
क्या है? कौन सा शेड लगा रहे हो? डूड, हम भूत ढूंढने जा रहे हैं, उसकी अटेंडेंस नहीं लेने जा रहे हैं। तुम ये कॉस्ट्यूम पहन के जाएंगे यार? देख, अभी का हो गया तो हो गया, मैं दोबारा नहीं पहनने वाली हूँ। क्यों यार अरु, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मुझे पता है तू डीवा बनने की कोशिश कर रही है। तुझे लगता है कि तेरे वीडियोस वायरल हो जाएंगे और तू पता नहीं दुनिया में कोई इंस्पिरेशन बन जाएगी। But that's never gonna happen, okay? मुझे ना तेरे वीडियोस में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे तो सिर्फ भूत को देखना और उससे पकड़ना। बेब्स, तू खुद देखना, ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। अच्छा तू एक काम कर, ये दो ना, ये लिपस्टिक लगा ले, तू और ज्यादा कूल लगेगी। तेरी लिपस्टिक लगा के ना तू बदलेगी नहीं, बस कैरी क्रो से फैंसी कैरी क्रो लगेगी। मैं अब तुम दोनों बहनों को ना आगे के प्लान के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, भूत खोज के बारे में भी नहीं। आई हैव अ न्यू प्लान। यार तू नहीं, भूत खोज प्लीज, मिस कोई मैं बताना यार। कोई मोई, मैंने बोला था ना मुझे इस नाम से मत चढ़ाना। क्या मिनी यार, रुक जा ना यार, मिनी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है। फाइन मिनी, मिनी मिनी मिनी, तू है मेरी प्यारी गिन्नी। चला बता भूत के बारे में। फाइन, तुम दोनों ना भूत भूत खेलो, बिकॉज पिछले 3 महीनों में जो तुम लोगों ने ये भूत बस्टर्स का ग्रुप बनाया है ना, वो आज तक एक भी भूत नहीं पकड़ पाया है। भूत ढूंढना ना कोई खेल नहीं होता है, भूत ढूंढने के लिए जिगर चाहिए होता है। मेरे पास तो फिगर है, सो आई डोंट नीड दिस भूत क्रैप। फाइन आरू, इन सब की बोलती ना बहुत जल्द बंद करने वाले। आई स्वेयर हम भूत नहीं, मेजर भूत नहीं ढूंढने वाले, भूत नहीं। अरे उस लड़की को देखो, बस से भी तेज साइकिल चला रही है। अच्छा साइकिल, हाँ घर चलो तुम, तुम्हारे साइकिल की तो मैं हवा निकालूंगी। साइकिल वाली नहीं, मटके वाली को तुम ताड़ रहे थे, चलो घर चलो। से दूर कर दिया, अब मेरा कोई भी नहीं है। ये? हाँ, आज से 102 साल पहले वो यहाँ आई थी मसूरी में, आज ही के दिन, और तबाही मचा दी थी, और आज फिर वही रात है और वही नक्षत्र है। ना, what? As in map? नहीं। लेकिन मैं खोई मोई, पिछले 102 साल में ऐसे नक्षत्र कम से कम 100 बार तो आए होंगे ना? नहीं यार, 102 साल के बाद वो रात आई है, आई मीन वैसी रात जिसमें सेम नक्षत्र और ग्रहों का योग बना है, यानी के या तो वो भूत यहाँ आ चुका है या तो वो भूत यहाँ आने के लिए चल चुका है। Thank you.
दी स्वाति के पास ना एक नई लिपस्टिक शेड आई है, आपको ट्राई करनी है? नो थैंक यू. तो फिर आप ये ट्राई करो. डैम कूल ऑन यू. तुझे पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद है. और वैसे तुझे आज हुआ क्या है? मैं सुबह से देख रही हूँ कुछ ना कुछ तेरा चल ही रहा है. सिर्फ मुझे नहीं, पूरे मसूरी में ना आग लग गई है. अरे आपको पता नहीं है मिनी का हॉट भाई आने वाला है. हॉट तो तू ऐसे बोल रही है जैसे तू उससे पहले मिली हुई है. मिली नहीं हूँ तो क्या हो गया? फोटो तो देखी है ना, वो आज तक यहाँ क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं पता. बट आई जस्ट होप वो लाइट हाइट वाला हॉटी आज रात बस यहाँ आ जाए. आज रात मिनी ने कहा है उसके भाई को ना ज्यादा अटेंशन लेना पसंद नहीं है. लड़कों को इग्नोर करने की आदत स्वाति देखी है. मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, हाँ सिर्फ नोटिस नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई लड़का मुझे नोटिस नहीं करता. राइट. मैं पिछले 3 महीने से इसे नोटिस कर रही हूँ. ये कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है? बात को आगे बढ़ाओ. मैं मिनी के जिस हैंडसम भाई की बात कर रही थी ना, ये उसी का बड़ा भाई है. इनकी फैमिली बड़ी सोशल है, सारा मसूरी इसे जानता है. ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता. दी से क्यूट है. तो जैसे स्टार्ट हो ना, ऐसे चीप कॉइन ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं है. पिछले 1 साल से देख रहे तुझे भाई. उस लड़की को चेकआउट कर, पर तुझे घास तक नहीं डालती. मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की. अब कर भी नहीं पाएगा. कल से वो आ रहा है. Let me guess. मेरा भाई रिहान. Smart boy. Correct. पूरे मसूरी में ना उसी की चर्चा चली. In fact, मेरे हिसाब से उस टेबल पे भी शायद अभी उसी की बात हो रही है. रिहान जब आएगा तो क्या होगा? It's a, you know, a girl magnet की तरह है. यार क्या कशिश है यार. वो है मेरा जिगरी यार. और तुम दोनों की बहन वो है मेरा प्यार. बट यार फिर भी ना वो तो थोड़ी सी जेलसी होती है. तू टेंशन मत ले, क्योंकि कल से तेरी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है. रिहान जो आने वाला है लास्ट डे, जो करना है कर ले. कल से सारी लड़की गायब रिहान के लिए. एक्सक्यूज मी भैया, ये बता सकते हैं कि माउंट मैरी कॉलेज का वो हॉस्टल कहाँ पे होगा? माउंट मैरी का कोई हॉस्टल नहीं है, लेकिन पीजी है वहाँ. हाय प्रिया, ठीक है मैं. भैया एक छोटी मैगी इनके लिए. नहीं थैंक्स, वो एक्चुअली मुझे पीजी देखना है. इसकी क्या जरूरत है? वो लड़की देख रहे हैं आप? वो एक्चुअली उसके फादर हैं, वो यहाँ पीजी चलाते हैं. तो बाहर से लड़कियाँ आती है, स्वाति के घर रहती है. मैं स्वाति से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल. अभी चले? हाँ. दो मिनट. ये लड़की क्यों? स्वाति जा रही है. चल. खुरानी की स्वाति. खुराना स्वाति. हाँ स्वाति चलेगा? हाँ दौड़ेगा. मैंने सुना है कि आपके घर में रहने के लिए जगह है. आपको किसने बताया? अर्णव मेरा दूर का रिश्तेदार है. डैड बाहर से आने वाले स्टूडेंट को मदद करने के लिए उन्हें रहने की जगह दे देते हैं. उनका ये कहना है कि बाहर से आए लोगों को हमारे शहर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो स्वीट. उसके लिए आपको डैड से बात करनी पड़ेगी. कैन आई हैव योर नंबर? हाँ नंबर. अब पेपर. ये लो. थैंक यू. तुम एक काम करो, तुम अभी मेरे साथ चलो और पापा से बात कर लेना. चलो. तुम्हें घर मिल जाए तो चाय पे जरूर बुलाना. पक्का. अच्छा तो तुम तब तक के लिए नंबर रखो. बढ़िया बेटा, जितनी जानकारी इन्फॉर्मेशन तुमसे चाहिए थे तुमने दे दी. अब अपना लगे हाथ पूरा नाम भी बता दो. प्रिया. सिर्फ प्रिया. बचपन से मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ. किसी ने कभी अडॉप्ट नहीं किया तो कोई सरनेम नहीं मिला. इतना खूबसूरत नाम है, इसके साथ सरनेम की जरूरत ही क्या है? सरनेम तो हमारे देश को ही बांटता है. इन्हें भी सरनेम से सख्त नफरत है. अरे तुम खड़ी क्यों? कम शाबाश. आ जा बैठो आराम से. और मेरी छोटी बेटी अरु, वो तो सरनेम के बिल्कुल ही खिलाफ है. वो तो इनफैक्ट ये कहती है, नो आरुषि नो खुराना ओनली अरु. इसलिए आज के बाद तुम्हें भी कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि कूल प्रिया. ओके. प्रिया जी वेलकम होम बेटा. जी
अब हमारे यहाँ कौन रहने आ रहा है सिड? बहुत ही प्यारी बच्ची है, माँ बाप नहीं है उसके। तो अच्छा हुआ ना वो हमारे यहाँ आ गई। किताबें वहाँ क्यों रख रहे हो? अरे रे रे रे, क्या हाथ है, क्या कड़े हैं, क्या कंगन है, कंगन इन्हीं के चक्कर में तो फंस गए हैं। मेरी ज्वेलरी के ऊपर, मेरी साड़ी के ऊपर, तुम्हारे पास कोई ना कोई कमेंट तो रहता ही है ना, हटो। जाने मन, हम तो आपकी तारीफ ही करते हैं इन कमेंट्स के जरिए, दिल से निकलते हैं, प्यार से निकलते हैं। तुम्हारी वो दोस्त जो है ती पैम पोश, उसकी तरह नहीं है कि किसी भी कमेंट पे कमेंट मार दे। अच्छा हुआ तुमने पैम की याद दिला दी। उसका फोन आया था, उसका बेटा आ गया है रेहान और उसने पार्टी रखी, तो हम सबको जाना है। तो फिर हमको उसी की तरह रेडी होना पड़ेगा। व्हाट? नॉट द हैपनिंग्स यामिताज, मैंने कह दिया तो पार्टी पे आ रही है तो पार्टी पे आ रही है। ड्राइवर्स नहीं है तो व्हाट? मेरे पास चार चारे अंडे दे रहे हैं। यू तो गेट रेडी, आई एम सेंडिंग द कार, ओके? आल द सी यूज, ओके? ऑलराइट। ओह माय गॉड, बाप रे, इतनी अच्छी इंग्लिश तो शेक्सपियर्स के पापाज भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों सौम्या, हो गया आप लोगों का? हाँ या उड़ा लो, उड़ा लो, आज जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो। आज मैं बिल्कुल एंग्रीज नहीं होने वाली क्योंकि मेरा रेहान बेबीज जो आ रहा है। यस डार्लिंग, ये हुई ना बात। वैसे तुम्हारे एक्साइटमेंट को देखकर तो लोगों को ये लगेगा ना कि तुम में और रेहान में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। पर सच तो ये है कि भाई की असली बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ है। इनफैक्ट मम्मा को तो ये पता भी नहीं था कि भाई वापस आ रहे, वो तो मैंने बताया। पहली बात, कॉल मी पैम। मॉम, अब मैं एक्चुअल मॉम हूं। हां, तुम तो मेरा ही बच्चा हो। अरे ये इसके लिए था, शशांक के लिए था। ओके डार्लिंग, मैं तुम्हें पैम ही बोलूंगा। लेकिन पहले वाली बात थी ना, वो दूसरी वाली बात क्या थी? दूसरी वाली बात थी, डोंट यू डेयर्स दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश मत करना कि रेहान्स को मैं हेट्स वेट्स करती हूँ, ओके? अरे नहीं नहीं माँ, हेट इज सच अ हार्श वर्ड। आप सब कुछ कर सकते हो बट किसी से नफरत नहीं कर सकते। स्पेशली रेहान्स। अच्छा सुन, मैंने सुना है कि मसूरी की लड़कियां तो मतलब द क्रेजी बैंचल हो रही है। ओह सो मॉम, आपको लगता है कि रेहान भाई में बस एक ही खूबी है और कुछ भी नहीं है? अच्छा मैंने कभी नोटिस नहीं किया, ये भी मुझे मिनी ने बताया था इसलिए याद रह गया। बट सचमुच लाइक द क्रेजीज हो रही है। एक्सक्यूज, हेलो डैडी। पद्मिनी, यहाँ यार कहाँ यार, फाइनली नहीं हुई साड़ी मेरी, आई एम द बिजीज यार। फाइनल हो गया है इसका, लड़की का नंबर मिल ही गया तेरे को। फाइनली, वरना मुझे तो लगा था कि भाई अगले 8 महीने तक सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे सिर्फ स्वाति की फोटो देख के। वेरी फनी सौम्या, सब तेरे मोहित की तरह चालू नहीं होते ना, बचपन में मेरी बहन को पटा लिया। अब ना बात को मैं चेंज करूंगी और चुपचाप से डैड को स्वाति के बारे में सब कुछ बताओ। स्वाति जल्दी। डैड, खुरान अंकल की 3 बेटियां है ना, बड़ी वाली बेटी स्वाति, सो शी She's so loving. Okay. Thank you so much. मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। Thank you. Thanks. जल्दी से अनपैक कर देती हूँ सब कुछ। तो रखा था फॉरेट में वो फोटो, वो एक ही तो कनेक्शन था जिससे मैं अपनी फैमिली और अपनी मॉम को मिल सकती थी। कहाँ गया वो? कैफे, आई हैव टू गो फाइंड इट। मिस खोई मोई, अगर आज तेरा बोलना सच नहीं निकला ना और भूतनी नहीं मिली तो नेक्स्ट 1 वीक तक रूही दी से जो मेकअप सप्लाई करती हूँ ना वो सब बंद। मैंने कहा ना वो भूत आएगा, मतलब आएगा। थैंक गॉड, वॉलेट वहीं पे था एग्जैक्टली जहाँ पे भैया ने कहा था। चल भैया, तूने सुना? Oh
चल 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 जल्दी चल। चल लेट्स गो रिमी, हम उसके बहुत पास है। चल चल चल। तो सोचा ही नहीं था वो भूत, अरे भूत नहीं, इतनी इतनी नॉर्मल दिखेगी साइकिल चलाती हुई। सो कूल मैन। ओ शख्स मैन, इतनी सारी मरी हुई चिड़िया, ये कोई भूत का असर नहीं, बर्ड फ्लू का असर नजर आ रहा है। ओ शिट, जंप 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 जंप, ये आरू की आरू को आरू को भागने की कोशिश कर रही थी, देख बेहोश हो गई, देख। ओ माय गॉड, ओ शिट, मरी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, बेहोश है, बेहोश है। भैया भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओ अब मैं समझी कि ये लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही है इतनी रात में, क्योंकि भाई यहाँ पे है। अबे ओ मिनी, होगा है तेरा रिहान भाई, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर लड़की को उड़ाता फिरेगा। ऑफ कोर्स ये रिहान की गाड़ी से नहीं, ये आंखों से बेहोश हुई है, है ना? सच्ची ऐसे ही था ना? वैसे रिहान मसूरी आने वाला था, ये बात तो हम सबको बता दी। अच्छा भाई आप जाइए ना, चल यहाँ से आप जाइए, मैं आपसे घर पे मिलती हूँ। अरे तू चल ना, क्या करती है? एक क्यों, हजार ले लेते। रिहान, रिहान, फोटो, फोटो का। वाओ, मेरी फोटो तुम्हारे साथ। I am so lucky. So तो है, मेरी जैसी ब्यूटी तुम्हें कहाँ मिलेगी? टिश्यू पेपर? हाँ? तुम जैसी ब्यूटी का सारा मेकअप धूप निकलते टिश्यू पेपर पर मिलेगा। कुछ भी कर लो, नो फोटोस। ये इसका भाई है, नहीं तो उसका जबड़ा तोड़ देती। गुड लुकिंग साला, कितना रूड है, समझता क्या है अपने आप को? चल 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 ना, क्या We'll be right back.
और ये रेहान भाई के आने की तबाही में ना वो भूत चुड़ैल रान जो भी थी वो मिस हो गई यार। हमने तो उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखा है। तुमने वो देखा था ना पिंक साइकिल? हाँ। उससे क्या मतलब, हमें ना कुछ प्लान करना होगा कि आगे करना क्या है। भैंस की आंख, तेरे भाई के घर आने की पार्टी में ना तो मतलब वो भूतनी भी आ सकती है। हेलो प्रिया, बेटा मैंने तुम्हें कितने फोन किए। मॉम वो एक्चुअली क्या बात है बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक है ना? मॉम मुझे फिर से वही सब हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पे अटैक करने वाला हो। प्रिया तू जहाँ कहीं पे भी है ना वहां से निकल, फौरन निकल। आप समझ नहीं रहे हो कि यही वो जगह है जहाँ पे मेरे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, मुझे मेरे पास से पर्दा उठेगा और कोई तो ऐसी कड़ी होगी जो मुझे मेरे परिवार तक पहुँचाएगा जिसे मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हेलो कूल प्रिया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड, वेरी गुड। तो फिर फटाफट तैयार हो जाओ, हम लोग एक पार्टी में चलेंगे। मसूरी के सब लोग वहां पहुंचेंगे, तुम्हें भी आना चाहिए। पर पार्टी में मैं, अब तुम इस घर में रहती हो, इस घर के सदस्य हो, जहां हम लोग चलेंगे वहां तुम भी चलो। और वैसे भी मसूरी के लोग बहुत ज्यादा मिलनसार हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी जैसा आपके। मैं स्वाति को बोलता हूं, तुम्हें पिक कर लेगी। ओके आ जाओ। ये अच्छा मौका है, मुझे पूरे शहर से मिलने का मौका मिल जाएगा और मेरे परिवार को ढूंढने का भी। यस लोपा, इस जंगल में आग लगाने वाली माचिस मैं ही। लेकिन रिहान है कहाँ? हाँ जी हाँ जी। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सो मच जी। वो क्या है ना कि जब से खबर फैली है ना कि रिहान इज कमिंग इन टू टाउन, लोग सब पागल हो गए हैं। मतलब आई टेल यू, मैं तो फोन ना एग्जैक्टली ट्रिंग 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 बजता ही जाता है। हेलो, हाँ मैं करती हूँ। हेलो जी, हाय फैम, हाउ आर यू? वेरी वेल। सो यू गाइस कैन या हाँ जी। द ड्रिंक कहाँ? देखो ना जिसको देखो, वेयर इज रिहान, वेयर इज रिहान। मैम आप कंप्लेन कर रही हो कि आपका बेटा वापस आ रहा है? व्हाट आर यू सेइंग्स यार, बच्चा घर वापस आ रहा है, तो वेरी हैप्पी आई टेल यू। क्या है ना कि घर बच्चे जब आते हैं, स्पेशली जब बॉयज होते हैं ना, अलग ही फीलिंग होती है। मेरे तो दो है ना, अर्नम एंड रिहान। अच्छा तुम्हारी तीन है ना बेटियाँ? हाँ, देन यू वुड नो दिस फीलिंग्स नाउ। बेटे वाली फीलिंग तो होगी नहीं आपको। ऐसी बात नहीं है मैम, माँ की ममता बेटा या बेटी नहीं पहचानती, वो सिर्फ उनसे प्यार करती है और ये भी मानती है कि उसके बच्चे हमेशा उसकी आंखों के सामने हैं। हाय, बड़ी डीप बात बोल दी है। ये लो मेरी बेटी आ गई। ये देखो हमारे हस्बैंड्स कहाँ पे, बार के पास। हे, तुम मॉम से नहीं मिली ना? नहीं, चल मैं तुम्हें मिला। स्वाति दी, 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 कहाँ दी आप? चलो आप जल्दी चलो ना। नहीं तुम लोग जाओ। अच्छा तुम बोर हो ना तो आ जाओ। अरु सुन ना, अगर वो भूतनी पार्टी एनिमल नहीं हुई तो हमारी तो सारी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी ना यार। एंड भी मत कर यार। मतलब नसुद्धा मत कर, बोल कम और देख ज्यादा। मैं बोल रही हूँ ना, वो भूतनी आएगी, उल्टे पैर आएगी, मैं कह रही हूँ अब भी आएगी। तुम दोनों? हाँ हम दोनों तो बस जा ही रहे थे। चल ना।
पर हमारे पास कोई भी नहीं है। आराम से ब्रो, इतना मत पियो जैसे आखिरी जन्म हो। अरे नाव लैंड ले, छोड़ ना, छोड़ ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, उसके बाद ये यहाँ दिखाई दिया ना तो मसूरी की ठंड में गर्मी दिखा दूंगा। अरे तू छोड़ यार, सॉरी गाइस, इसने पी रखी है, सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, इसकी बनाया है। बेबीज बेबी क्या आप मुझे 10 सेकंड दे सकते हो? 10 सेकंड जहाँ आपका ध्यान अर्नब से ना भटका। तू ना अपनी बकवास बंद कर। एनीवेज गर्ल्स, हम सबको पता है कि आज की पार्टी रेहान के आने की खुशी में रखी है। कुछ लोगों को छोड़ के रेहान को किसी ने देखा नहीं। आज हम सब अपनी किस्मत आजमाएंगे और रेहान को ढूंढेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रेहान पास वाले जंगल में हो। लेट्स स्प्लिट अप फॉर हैशटैग मिशन सर्च रेहान। मुझे और ढूंढना होगा इस तस्वीर की, कम से कम एक औरत तक तो मुझे पहुंचना ही होगा। I think मुझे रेहान यहाँ पे मिल सकता है। 5 साल पहले रेहान आया था तो ऐसे जंगल में अकेले चलने जाता था। आई होप मुझे आज यहीं पर मिलेगा वो। ढूंढ रही हो ना? तुम कौन हो और वो तुम जैसे को क्यों ढूंढूंगी? आंटी, आपको कोई धुन सुनाई दे रही है क्या? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आंटी, मेरा नाम पैम है, आप मुझे पैम ही बुलाओ। ओके, आपको कोई धुन सुनाई दे रही है? देखो हमारे यहाँ ना ये ढोलक वोलक नहीं बजती, हमारी पार्टियों में सिर्फ दारू होती है और गॉसिप होती है। ओके, हमें क्या बता रही थी आपको? मैं साफ सुन पा रही हूँ, ये वही धुन है, वही धुन है जो मुझे बेकाबू कर देती है। गॉड, अब क्या करूँ मैं? तो ये मेरा सपना था और मैं ये सब इमेजिन कर रही थी, पर वो धुन मुझे धुन पहचानी सी क्यों लगती है? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ मुझे। किसी की हिम्मत नहीं आई थी मुझे रोकने की, लड़कियों की भी नहीं।
उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ ध्रुव। अच्छा इसी का डर था मुझे। मैं अपना सच छुपाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन भगवान जी शायद ये नहीं चाहते। तभी तो वो धुन मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्या वो धुन मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है? क्या वो धुन मेरी माँ और मेरी शक्तियों से जुड़ी हुई है? सब जल्दी हो जाएगा, ओके? क्विक। थैंक यू सो मच। इसको इसको छोड़ना मत और इसका गला दबाकर जान से मार दो इसे। माना कि रात बहुत हो चुकी पर मैं कोई नाइट इन शाइनिंग आमा नहीं। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं नहीं मरूंगा और ना ही ये राजकुमार सफेद घोड़े पर आया है तो घोड़ी तुम्हें ही बनना पड़े। जान बचानी है तो भागो। वो श्राप असर दिखाएगा और तुम रोगे। एक नागिन और चीन का मिलन एक अभिशाप था जो अब तुम्हारा बच्चा भोगेगा। वो ना कोई इंसान होगा ना कोई जानवर, सिर्फ खून ही उसकी प्यास बुझाएगा। उसे ना कभी प्यार मिलेगा ना ही कोई अच्छाई। वो सिर्फ एक ही चीज पाएगा, अंधेरा। जिसे मिटाने के लिए वो उजाले को खोजेगा, सच्चे प्यार को खोजेगा, जो उसके अंदर के गुस्से को शांत कर पाए, उसके अंधेरे को मिटा पाए, उस रोशनी को पाना चाहेगा जो उसे मिलेगी फिर। एक चील और नागिन का बच्चा इतना अभिशापित होगा, एक आदिशाक होगा, श्रापित आदिशाक। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.